आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो हम लोग अभी देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। और अगर आप लोग को वीडियो से कोई भी फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है चैप्टर 3 का पहला एक्सरसाइज 3.1, रैखिक समीकरण का। तो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन में क्या कहा गया है सबसे पहले ये समझना होगा, तो आसानी से बन जाएगा सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी अपनी बेटी से कहता है, 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। माने सात, वो आफताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारे उम्र के 7 गुनी का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 साल बाद, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 वर्ष पहले वो 3 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद वो सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो हमें बीजगणित में बनाना होगा, फिर ग्राफ रूप में बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जानना है कि अभी उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें तो ये पता नहीं है, ना ही बुक में दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, माना लिखेंगे, माना, मान लेंगे, माना आफताब कि, माना एक मिनट, माना आफताब की वर्तमान आयु, मान लेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु x है, और लिखेंगे माना पुत्री की, पुत्री की वर्तमान आयु y है, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर किसी का अभी अगर किसी का वर्तमान में 10 साल हो रहा है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, 3 साल होगा उसका। अगर किसी बच्चे का अभी 10 साल उम्र हो रहा है, तो 7 साल पहले उसको उम्र कितना था, 3 साल। तो हमने क्या किया, 10 से 7 को माइनस किया, तभी 3 आया। तो हमें समझ में आया कि 7 साल पहले उसका उम्र 3 था। तो हम लोग यहां भी यही करेंगे, लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले, ब्रैकेट में लिख देते हैं, समझने में आसानी होगी आप लोग को। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कितना था, तो क्या करेंगे, आफताब लिखेंगे, आफताब की आयु, आफताब की आयु कितना था 7 वर्ष पहले। अगर वर्तमान में x है, तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7 हो जाएगा। और पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, अगर वर्तमान में उसकी आयु, यानी प्रेजेंट में उसकी आयु y है, तो 7 वर्ष पहले 7 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब प्रश्न में क्या पूछा गया था, मतलब प्रश्न में क्या कहा गया था। तो हम लोग लिखेंगे यहां से कि, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से हमें क्या समझ में आता है, प्रश्न से हमें समझ में आता है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी बेटी से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी बेटी से, अपनी बेटी का उम्र क्या है उसका, वाई बटे 7, अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था, यानी 7 इंटू हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इंटू दे सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते हैं। तो 7 माइनस 7 बराबर था 7 इंटू y माइनस 7 का। ये हमें प्रश्न से समझ में आता है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो आगे मैथ आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इतना दूर आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 हो जाएगा, 7 को y के साथ गुना करेंगे तो 7y, 7 को 7 के साथ गुना करेंगे और प्लस माइनस माइनस बटेगा तो 49 हो गया। ये x को इधर ही रखते हैं, प्लस 7y को माइनस 7y, और माइनस 49 है, और इस माइनस 7 को प्लस 7 में चेंज करते हैं। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 42। ये बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है।
अब देखिए, फिर प्रश्न में और एक दूसरी स्थिति दी गई थी, तो हम लोग लिखेंगे। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या थी वो मैं पढ़ देती हूँ। दूसरी स्थिति थी कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद अफताब की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बाद, अगर अभी किसी बच्चे का उम्र 10 साल है तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 13 साल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 10 में 3 को प्लस किया, ऐड किया, जोड़ा हमने। तो यहाँ भी वही करेंगे, वर्तमान में उसकी आयु एक्स है, तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगी। और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु अगर प्रेजेंट में वाई है तो 3 साल बाद y+3 हो जाएगी। सिंपल सा है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, अब फिर चलते हैं प्रश्न में, प्रश्न से, या फिर प्रश्न में जो भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कहा गया था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद यानी x+3 कितनी गुनी का रह जाऊंगा? तो 3 गुनी यानी y+3, 3 × y+3 यानी x+3 बराबर होगा, 3 साल बाद है तो बराबर होगा y+3 के 3 गुनी। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा आप लोग को। अभी से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 3 को y के साथ गुना करेंगे तो 3y प्लस 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 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। x को ही रहने देते हैं, ये जो +3y है इसे -3y, और +9 है इस +3 को -3। तो x -3y बराबर +9 - 3 कितना हो जाएगा? 6। ये बन गया समीकरण नंबर 2। देखिए अब क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय के रूप में तो हमने व्यक्त कर दिया समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में x-7y बराबर -42, मतलब 42 सॉरी, और समीकरण नंबर 2 में x-3y इक्वल 6 आ गया। तो ये तो बीजगणितीय विधि से हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसका हल निकालना है, ठीक है। तो हल निकालने के लिए हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का यूज करेंगे। ओके, तो समीकरण नंबर 1 में लेते हैं, समीकरण नंबर 1 को सबसे पहले। समीकरण नंबर 1 में क्या है? समीकरण नंबर 1 में है x-7y बराबर -42। ये है। अब देखिए, हमें इसका दो हल चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए हमें x का दो हल चाहिए और y का दो संख्या चाहिए। दो दो समीकरण से x का दो और y का दो, यानी टोटल 4 हमें चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं। यदि यदि x इतना होगा तो y इतना होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर देखें, यदि यहाँ पे हम लोग x का मान 0 लेते हैं, तो x का मान अगर 0 लेते हैं तो x के जगह 0 बैठेगा -7y -42, यानी जो y होगा वो -42, ये जो -7 गुना में है वो बटे में चला आएगा, माइनस माइनस कट, और यहाँ पे 6। तो y बराबर कितना निकल गया? 6। तो अगर इस समीकरण में, ये समीकरण है ध्यान रखिए, इस समीकरण में अगर हम लोग x का मान 0 लेते हैं तो y कितना आएगा? 6 आएगा। और एक मान चाहिए हमें x और y का। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे x का मान 7 लेते हैं तो x का मान 7 लेते हैं और x 7y -42, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे y बराबर कितना होगा? -42। ये जो +7 है ये -7 में आ जाएगा और ये -7 बट्टे में चला आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -42 और -47, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 और 7 49 और -7
यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये माइनस माइनस कट। तो अगर x का मान हम लोग 7 लेते हैं इस समीकरण में, अगर x का मान हम लोग 7 लेते हैं तो y भी 7 आएगा। तो चलिए ये टेबल बन गया समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से बन गया। अब समीकरण नंबर 2 में बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में क्या है, समीकरण नंबर 2 में है x माइनस 3y बराबर 6। टेबल बना लेंगे, एक्स वाई। तो देखिए अगर हम लोग x का मान क्या रखेंगे, अच्छा पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे तो एक स्टूडेंट का कहना था कि, देखिए यहाँ पे मैं समझाती हूँ, एक दो स्टूडेंट्स का कहना था कि दीदी आपको कैसे पता कि यहाँ पे x का मान 0 होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे x का मान 0 लिया है, यहाँ पे x का मान 7 लिया है, तो x का मान 0 लिया है तो यहाँ पे y बराबर 6 निकला। तो बहुतों का कहना था कि दीदी आपको कैसे पता कि यहाँ पे x का मान 0 होगा और यहाँ पे y 6 निकलेगा। तो ये मुझे नहीं पता, आप लोग x का मान कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 35 रखिए, 36 रखिए, कुछ भी मान रखिए, आंसर आप लोग का सेम आएगा। मतलब आंसर तो आप लोग का यहाँ अलग आएगा लेकिन ग्राफ में जब हल कीजिएगा तब आप लोग का आंसर सेम आएगा। तो आप लोग कुछ भी मान रखिए, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0 इसलिए रखा है ताकि मान जो है ताकि छोटा रहे, जितना कम मान रखिएगा ग्राफ में उतना आसानी से आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए रखते 86 तो ग्राफ आपका बहुत बड़ा बनता, 1 से 86 बनाने में आपका कॉपी में नहीं अटता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा छोटा मान लिया, 0 लिया, 7 लिया, ताकि सॉल्यूशन भी यहाँ पे जल्दी से निकले और ग्राफ में भी बनाने में आसानी होती, ठीक है। तो अगर आप लोग छोटा छोटा मान रखते हैं तो बनाने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो देखिए अब यहाँ पे x का मान हम लोग फिर से 0 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, समझा के मैं बताती हूँ। यदि x का मान 0 होगा तो x माइनस 3y यानी 0 माइनस 3y बराबर 6 होगा कि नहीं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये जो माइनस 3 है ये भागा में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2। तो यदि यहाँ पे x का मान 0 लेते हैं इस समीकरण में तो y बराबर कितना आता है माइनस 2। अब देखिए यदि y का मान, अब आप लोग x का मान भी ले सकते हैं y का मान भी ले सकते हैं, y का मान लीजिएगा तो x निकल जाएगा, x का मान लीजिएगा तो y निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यदि में y का मान लेते हैं, y का मान अब 0 लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं x कितना निकलेगा। तो x माइनस 3y है तो y के जगह आप 0 लिखेंगे बराबर 6, ठीक है, हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, अब माइनस 3 इंटू 0, अब 0 के साथ कोई भी संख्या गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो 0 तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो x बराबर कितना निकल गया 6। तो अगर y का मान हम लोग 0 लेते हैं तो x कितना निकलेगा 6। देखिए अब हमें दो टेबल प्राप्त हो गया, एक यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से हमें एक टेबल प्राप्त हो गया और समीकरण नंबर 1 से हमें टेबल प्राप्त हो गया। अब देखिए इसे ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है, अब ग्राफ में बनाएंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए दो टेबल, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। तो पहले क्या है, देखिए पहले समीकरण से है यदि x बराबर 0 और यदि x बराबर 0 है तो y बराबर 6 होगा, यदि x बराबर 7 है तो y बराबर 7 होगा। अब चलिए ग्राफ में बना के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, यदि x बराबर 0, ये देखिए ये जो लंबी रेखा है इसे x कहेंगे और इस खड़ी हुई रेखा को, एक मिनट, ये माइनस वाई है, देख लीजिए ये माइनस वाई है, इस खड़ी हुई रेखा को, खड़ी हुई रेखा को हम लोग वाई कहेंगे, इस रेखा को हम लोग एक्स कहेंगे। एक्स का ये भाग प्लस में है, ये भाग माइनस में है, वाई का ये भाग प्लस में है और ये भाग माइनस में है, देखिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा आसानी से, ये
1, 2, 3, 4, 5, 6, ये -1, -5 ऐसा है माइनस एक्स की तरफ, ठीक है। तो देखिए एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ पे जीरो है, यदि एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर सिक्स, प्लस सिक्स है तो वाई बराबर सिक्स। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट होगा, हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट दे दिया। फिर क्या है समीकरण नंबर वन से, यदि एक्स बराबर सेवन, यहाँ पे सेवन होगा, यदि x बराबर सेवन तो y बराबर भी सेवन, यहाँ पे x बराबर सेवन है, y का सेवन यहाँ पे है, देख लीजिए। तो दो पॉइंट हमें मिल गया, तो अब इसे हम लोग मिला देंगे। हो गया, अब देखिए अब समीकरण नंबर टू में क्या क्या हमें मिला था, यदि x बराबर जीरो, तो अब समीकरण नंबर टू में देखिए, समीकरण नंबर टू में यदि x का मान जीरो है, x का मान जीरो है यानी यहाँ पे, तो y का मान माइनस टू है, y माइनस टू, माइनस टू किधर है, तो माइनस टू ये है, ये y का रेखा है, माइनस टू यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, समीकरण नंबर टू से एक पॉइंट मिल गया। और एक पॉइंट निकालना है, यदि x बराबर छ तो y बराबर जीरो, ये x की रेखा है तो y बराबर छ तो y बराबर जीरो, तो जीरो तो यहीं पे रहेगा, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसे हम लोग मिला देंगे। ठीक है, हो गया। तो आप लोग इस पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं। तो पहले x के मान को लिखा जाता है, ठीक है, पेन से मैं लिख देती हूँ, x का मान है 6, y का मान है 0, हर टाइम x और y, देखिए x का मान को पहले लिखा जाता है फिर y के मान को। x का मान यहाँ पे क्या है 0, इस पॉइंट में x का मान है 0 और y का मान है माइनस टू, इस पॉइंट में x का मान है 0 और y का मान है 6 और यहाँ पे है x का मान 7 और y का मान है 7, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ग्राफ भी मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है, तो कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया था बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, बीजगणित में हमने कॉपी में आप लोग को दिखा दिया और ये हो गया ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ये था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे हैं, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1,300 रुपए में खरीदी, इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहली स्थिति में 3 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, उसने खरीदी है 3,900 रुपए में, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं हम लोग एक्स रुपए, ठीक है, एक्स रुपए मान लेते हैं बल्ले का, और गेंद का मान लेते हैं, गेंद का मूल्य मान लेते हैं वाई रुपए, ठीक है। तो अगर एक बल्ले का जो मूल्य होता है वो एक्स होता है और गेंद का वाई होता है, और यहाँ पे कहा गया है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी गई है 3,900 रुपए में, तो क्या लिखेंगे प्रश्न से, अगर 3 बल्ले, अगर एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, गुना हो जाएगा, अगर एक गेंद का मूल्य वाई रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, गुना कर देंगे, और इन सब चीजों को उसने कितने रुपए में खरीदा है, 3,900 रुपए में। तो ये बन जाता है हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर देखिए दूसरी स्थिति में क्या कहा गया था, दूसरी स्थिति में कहा गया था कि बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की और 3 गेंदे 1,300 रुपए में खरीदी, एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए और 3 गेंद का मूल्य 3y,
कितने रुपए में खरीदी? तो 1300 रुपए में खरीदी। हमें मिल गया समीकरण नंबर 2 भी। देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई का मान निकालेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे तो हमारा ग्राफ जो है आसानी से बन जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में देखिए क्या है, समीकरण नंबर 1 में हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में क्या है, समीकरण नंबर 1 में 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपए, यही है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें अब कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2y आ जाएगा बराबर 3900। अब देखिए ये 3 गुना में है, x प्लस 2y के साथ गुना में है, तो अगर 3 बराबर के इधर आ जाएगा तो बटे में 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट काटते हैं, यहीं से काटते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 1300। 2y एक्स प्लस 2y बराबर 1300 होगा। फिर ये जो x प्लस में है इसे हम लोग माइनस में लाते हैं, फिर y बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस एक्स बटे 2, ये 2 गुना में था तो हमने इसे भागा में ला दिया, ठीक है, बटे 2, ये हो गया। अब देखिए y का मान है यहाँ पर 1300 माइनस एक्स बटे 2, y का हमें पूर्ण मान चाहिए और x का भी हमें मान चाहिए, तब हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, यदि x का मान कुछ लेते थे तो y आसानी से निकल जाता था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि यदि x बराबर 100 तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 1300, x के जगह अब हम लोग 100 लिखेंगे, 100 बटे 2, तो 1300 माइनस 100 करेंगे तो 1200 बटे 2 यानी 600। तो यदि x का मान 100 रखते हैं तो y का मान 600 निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे बन गया। अब देखिए यदि हम लोग x का मान अब क्या रखते हैं, देखेंगे कि x का मान क्या रखने से y आसानी से निकल जाएगा, वही x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग x का मान ले लेते हैं 200 ले लेते हैं, x का मान 200 ले लेते हैं, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 1300, x के जगह अब रखेंगे 200 बटे 2। अच्छा एक काम करते हैं, x के जगह 3 रखते हैं, आसानी होगा और भी। 1300 से 300 माइनस जाएगा तो 1000 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 500, ये हो गया। अब टेबल बना लेते हैं, तो टेबल में क्या हो जाएगा, टेबल बना लेते हैं ऐसे करके, यदि x तो y इतना, यदि x बराबर 100 आया था वो तो y बराबर 600, यदि x बराबर यहाँ पे 300 लिया था हमने इस समीकरण में, इस समीकरण में हमने यदि x का मान 300 लिया था तो y निकला है 500। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1 से, देखिए समीकरण नंबर 1 से हम लोग का बन गया। अब समीकरण नंबर 2 से हम लोग इसी तरह x और y का मान निकालेंगे, वो भी दो दो करके, तो दो पॉइंट मिल जाएगा तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो चलिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 में क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, यही है। तो अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1300 ये जो x प्लस में है ये माइनस में आ जाएगा और ये जो 3 गुना में है ये भागा में आ जाएगा, तो ये हो गया। अब इस समीकरण से हम लोग y और x का मान निकालेंगे। देखिए y का मान निकालने के लिए हमें x का मान चाहिए, x का मान हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यदि, यदि x बराबर यहाँ भी x का मान 100 लेते हैं, ठीक है, आसानी होगी। तो y कितना निकल जाएगा, y हमारे पास निकल जाएगा 1300, 1300 माइनस 100 बटे कितना है 3,
तो 1300 से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 बटे 3 मतलब 400, 400 हो गया। यहाँ पे एक मान निकल गया, एक्स और वाई का मान निकल गया, और एक मान निकालेंगे तब यहाँ पे हम लोग क्या मान ले सकते हैं, यदि यदि x बराबर, यहाँ पे x का मान हम लोग रखते हैं 400 ले लेते हैं, 400, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, y बराबर देखिए क्या था, y बराबर था 1300 माइनस x बटे 3। तो 1300 माइनस x की जगह आप क्या लिखेंगे, 400 बटे 3। तो 1300 से 400 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 900 बटे 3 मतलब कि 300। तो अब देखिए टेबल बना लेते हैं, एक्स इतना तो वाई आएगा इतना। तो एक्स हमने सबसे पहले 100 माना था, तो वाई हमारे पास आ गया था 400। यहाँ पे हमने एक्स को 400 माना था, तो वाई हमारे पास निकल गया था 300। देखिए हो गया। अब जो हमें हमें दो टेबल मिला है, यहाँ पे एक टेबल मिला है और यहाँ पे एक टेबल मिला है, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमने दो टेबल निकाल लिया है, तो इन टेबल को ध्यान में रखिए, x बराबर 100 तो y बराबर 600, यदि x बराबर 300 तो y बराबर 500, और यहाँ पे यदि x बराबर 100 तो y बराबर 400, और यदि x बराबर 400 तो y बराबर 300। अब क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी में इसे क्या करेंगे, इसे बीजगणितीय तो हमने बना दिया, अब इसे ज्यामिति का रूप देंगे। तो चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये है ग्राफ। तो इस जो रेखा को एक्स के नाम से जाना जाता है, इस रेखा को वाई के नाम से, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या था सबसे पहले टेबल में, कि यदि एक्स बराबर 100 तो वाई बराबर 600, ठीक है। तो यदि एक्स बराबर 100 तो वाई बराबर 600, यानी एक पॉइंट यहाँ पे होगा। फिर क्या था, यदि एक्स बराबर, यहाँ पे देख लेते हैं, यदि x बराबर 300 तो y बराबर 500, यदि x बराबर 300 तो y बराबर 500, यानी दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन गया हम लोग का एक रेखा बन गया। तो यहाँ पे हम लोग x और y के मान को लिखेंगे, x था 100 और y था 600, हमेशा x और y, देखिए हमेशा x के मान को आगे लिखिए, यहाँ पे 300 और y था 500। हो गया, ये तो एक टेबल से प्राप्त हो गया। अब दूसरे टेबल में क्या था हमारे पास, यहाँ पे दूसरे टेबल में था x बराबर 100, देखिए x बराबर 100 तो y बराबर 400, यदि x बराबर 100 तो y बराबर 400, यानी यहाँ पे होगा एक पॉइंट, यदि x बराबर 400 तो y बराबर 300, यदि x बराबर 400 तो y बराबर 300। देखिए ये हो गया, ये हमारे पास मिल गया, और एक रेखा नाम दे देते हैं 400, और ये हो गया 400 और 300। देखिए ये हमारे पास हमें प्राप्त हो गया ग्राफ इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 3.1 का आप लोग का, ठीक है। तो 3.1 से हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ मिल गया, इसे कहते हैं हम लोग ग्राफीय विधि। और जो हमने कॉपी में बनाया, कॉपी में हमने जो दर्शाया, इसे कहते हैं बीजगणितीय विधि। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम बनेगा, पहले हम लोग बीजगणितीय बनाएंगे फिर उसे ग्राफ में बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक दिन की बात हो रही है, ठीक है। एक दिन में 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य एक साथ 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है।
इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। हमें पता नहीं है यहाँ पे 1 केजी सेब का मूल्य कितना है और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे माना माना सेब का मूल्य, माना सेब का मूल्य है x रुपए, और यहाँ पे मान लेंगे अंगूर का मूल्य, हमें अंगूर का मूल्य भी नहीं पता है, अंगूर का मूल्य y रुपए मान लेते हैं, हो गया। अब देखिए, एक दिन कहा गया था, मतलब एक दिन की बात चल रही है यहाँ पे, एक दिन में कहा गया था कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। तो अगर माना सेब का मूल्य, मतलब यहाँ पे 1 केजी की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 केजी, 1 केजी का कितना मूल्य है, तो 1 केजी सेब का मूल्य एक्स रुपए है, 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई रुपए है। तो अगर 1 केजी सेब का मूल्य एक्स रुपए है तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x। मान लेते हैं 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपए है, तो 2 केजी सेब का मूल्य 200 रुपए, यानी 2 गुना 100 हो गया, ठीक है। तो 2 x प्लस कितना था, 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने y माना था, हो गया। तो इन दोनों का मूल्य 160 रुपए था। देखिए, एक समीकरण हमें मिल गया, तो इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1, हो गया। अब देखिए, और एक दिन कहा गया था, मतलब एक महीने बाद 4 केजी सेब, 4 केजी सेब यानी 4x, 4x, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 2 केजी यानी 2y का मूल्य 300 रुपए था। 1 केजी अंगूर का मूल्य अगर y रुपए, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y, तो यहाँ से हमें मिल गया समीकरण। अब देखिए, ये दोनों समीकरण मिल गया, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, एक मिनट। तो हमें मिल गया है 2 समीकरण, इन 2 समीकरण को सॉल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे, तो हमें ग्राफ बनाने में मदद मिल जाएगी। तो चलिए, समीकरण नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। तो अभी आप लोग y निकालिए, x निकालिए, कोई बात नहीं है, x भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं, ठीक है। y बराबर 160 माइनस 2x लिखिए, या फिर x बराबर लिख सकते हैं 160 माइनस y बटे 2, आप लोग को जो ठीक लगे वही कीजिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, x ही लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या करूंगी, 2x 160, ये जो प्लस y था ये माइनस y में चेंज हो जाएगा, और x बराबर 160 माइनस y बटे 2। आप लोग चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि y को इस साइड में रख के और 2x को माइनस में ला सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैं इसी तरीके से समझा रही हूँ, थोड़ा लॉन्ग करके समझा रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को दोनों तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो x बराबर 160 माइनस y बटे 2, तो यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, y का भी मान चाहिए। x का मान निकालने के लिए हमें यहाँ y का मान चाहिए, लेकिन y का मान तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमने तो माना है कि सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य y रुपए है, तो हमें तो पता नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना, यहाँ पे हम लोग y का मान मानेंगे, माना y बराबर 20 है, ठीक है, माना यहाँ पे y बराबर 20 है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 20 है, तो एक मिनट रुकिए, माना y बराबर 20 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 160 माइनस y है, 160 माइनस y के जगह अब 20 लिखेंगे, बटे में आ गया 2, तो 160 से 20 माइनस होगा तो 140 बटे 2 यानी 70। तो अगर इस समीकरण में हम लोग यहाँ पे y का मान 20 रखते हैं, तो x बराबर 70 निकलेगा, ये याद रखिए। अब चलिए, और एक मान निकालेंगे, यहाँ पे लेंगे माना y का, अब क्या मान लेंगे, y का मान अब लेते हैं 60 रुपए, मतलब यहाँ पे y हम लोग लेंगे 60,
तो x क्या हो जाएगा, क्या है 160 माइनस वाई, 160 माइनस वाई की जगह 60 बटे 2 है, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 160 से माइनस 60 होगा तो 100 बटे 2 यानी 50। तो देखिए टेबल मिल गया हम लोग को, टेबल बना लेते हैं, आसानी होगी ग्राफ बनाने में तभी। एक्स तो वाई इतना, तो देखिए y बराबर अगर 20 है तो x बराबर कितना निकला था 70। तो y बराबर अगर 20 है तो x बराबर 70 निकला था, y बराबर अगर 60 है तो x बराबर 50 निकला था। तो ये हमें एक टेबल मिल गया समीकरण नंबर 1 से। अब जो समीकरण नंबर 2 है यहाँ पे, जो 4x+2y बराबर 300, इस समीकरण से अब हम लोग एक टेबल निकालेंगे इसी तरह। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो समीकरण नंबर 2 में क्या था, समीकरण नंबर 2 में था 4x+2y बराबर 300, 4x+2y बराबर 300। यहाँ पे देखिए कॉमन निकालते हैं तो कॉमन है 2, यहाँ पे 2x और यहाँ पे बच गया y बराबर 300। अब देखिए ये 2 गुना में है 2x+y के, तो बराबर के इधर जाएगा तो बट्टे में 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 150। तो 2x+y बराबर कितना निकल गया 150। आगे क्या करेंगे, आगे x को इधर रखते हैं और इस प्लस वाई को माइनस वाई में, और इस 2 जो गुना में है ये बटे में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्स का मान और वाई का मान दोनों चाहिए होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना एक्स का मान हमें पूर्ण रूप से चाहिए, वाई का मान भी पूर्ण रूप से चाहिए। तो वाई को हम लोग मान लेंगे, वाई बराबर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 150 माइनस y, y है 10 बटे 2, 150 से 10 माइनस करेंगे मतलब 150 से 10 माइनस करेंगे तो 140 बटे 2 तो 70 हो जाएगा। और एक लेंगे मान, लिखेंगे माना y बराबर, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं चलिए 30 ले लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस वाई है, वाई की जगह 30 बटे 2, 150 से 30 माइनस करेंगे तो 120 बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 60 हो गया। अब टेबल बना लेते हैं, देखिए एक्स वाई, तो देखिए y हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या माना था 10, तो x निकला था 70, y हमने 10 माना था तो x निकला था 70, और यहाँ पे y हमने 30 माना था तो x निकला 60 हो गया। टेबल, ये दो टेबल हमें मिल गया। अब इन दोनों टेबल की सहायता से समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 से टेबल मिल गया। अब देखिए आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ग्राफ बना के आप लोग को समझाया है कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं इन दोनों की सहायता से, इन दोनों टेबल के साथ से ग्राफ बना सकते हैं। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है ग्राफ बनाने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी, नहीं तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैंने 2 बार समझाया हुआ है आप लोग को ग्राफ कैसे बनाना है। तो आई होप आप लोग को आ जाएगा ग्राफ बनाना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज 3.1 का ये था रैखिक समीकरण का लाइनर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यानी पूरा एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।